हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये प्यारा सा ग्रीन कलर का लुक क्रिएट करने वाली हूँ और बहुत सिंपल है और इजी भी बहुत है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं मैक का पेंट पॉट ले रही हूँ सॉफ्ट ओकर में और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ पे। फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया है टेप टू गेट अ परफेक्ट एंगल और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक लाइट ग्रीन कलर का शेड जिसको मैं ट्रांजिशन की तरह यूज़ करूँगी एंड मेकिंग श्योर कि ये पूरा ब्राउ में ना चला जाए। ब्राउ से थोड़ा सा नीचे से लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ उसको ब्लेंड करेंगे, बट ब्राउज़ को टच नहीं करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और साथ ही मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये लार्ज फ्लफी ब्रश है मोर्फी का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीपर शेड ले रही हूँ और उसको मैं थोड़े से छोटे से ब्रश के साथ लगा रही हूँ और सिर्फ मैं एज अ गाइडलाइन ये शेड मैं लगा रही हूँ। बाद में इसको इंटेंस करेंगे और थोड़े से प्रिसाइज ब्रश के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये जो डार्कर ग्रीन शेड है उससे मैं अपनी जो कट क्रीज है तो वो मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ, बट इतनी इंटेंस नहीं है ये। धीरे धीरे कलर को पैक करेंगे। पहले मेक श्योर कि आपका जो शेप है वो परफेक्ट आ जाए, उसके बाद आप कलर को इंटेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट शेप परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद उसको हल्के हल्के से ब्लेंड करेंगे। फिर ये है कि प्रिसाइज ब्रश के साथ उसको और डीप करने के लिए, कलर को इंटेंस करने के लिए इस तरह से लगाएंगे छोटे से ब्रश की हेल्प से। तो जहाँ पे आपको प्लेस करना है कलर आप एग्जैक्टली वहीं पे करेंगे और साथ ही जो ट्रांजिशन शेड है उसके साथ इसको ब्लेंड करते जाएंगे सो दैट हार्श लाइंस ना दिखें। ये जो है डीपेस्ट ग्रीन कलर का जो शेड है इसी पैलेट में मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आउटर एज से स्टार्ट किया है और इनर कॉर्नर की तरफ ले जा रही हूँ मैं इस तरह से क्रीज में ही, और साथ ही साथ उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ हल्के से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, बट मेकिंग श्योर कि वो बाहर की तरफ इंटेंस हो। अंदर की तरफ हल्का रखेंगे, बाहर की तरफ और इंटेंस रखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैंक कैनवस फ्रॉम पी लुईस। इससे बहुत अच्छी कट क्रीज आप कर सकते हैं, बहुत इजीली काव आउट हो जाती है इससे क्रीज, और ये कंसीलर से बहुत बेटर है। तो अब तक का मुझे ये फेवरेट लगा, इससे कट क्रीज बहुत इजीली क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैं पूरी क्रीज को कट कर रही हूँ। आप चाहे तो हाफ़ कट क्रीज भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी हाफ़ कट क्रीज वाला लुक कर चुकी थी तो इसलिए मैं फुल कट क्रीज कर रही हूँ। तो अगेन देख लीजिए आप अपना शेप और उस हिसाब से ब्रश के स्ट्रोक्स लगाइए। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से हल्के हल्के से ब्रश के स्ट्रोक लगाइए और अपना शेप परफेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए वो। तो इस तरह से मुझे मिल गया है मेरा परफेक्ट शेप और मैं बस इसको नीट कर रही हूँ ब्रश की एज की हेल्प से, जस्ट मेकिंग श्योर कि कहीं पे कोई कॉर्नर जैसे बाकी ना रहे और अनइवन ना लगे। तो इस तरह से मैं एजेस जो है उसको क्रिस्प कर रही हूँ और ये हो गया है। यहाँ पे मैंने एक लेमन ग्रीन कलर का शेड लिया है, शिमर शेड है, और इसको मैं इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिर उसके ऊपर हम थोड़े से डार्कर शेड्स के साथ जाएंगे तो इसको भी उसके ऊपर ब्लेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो शेड हो गया, उसके बाद एक ऑलिव ग्रीन कलर का शेड है, ये भी एक शिमर शेड है। इसको लगाने के बाद एक डार्क ग्रीन कलर का शेड है। तो ये तीनों शेड मैंने एक के बाद एक लगाए हैं और मैं साथ में एक दूसरे को ऊपर की तरफ से ब्लेंड करूँगी, मतलब इनकी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। तो आप इसको ब्लेंड करते जाएंगे। फिर मैंने वही जो डार्क ग्रीन कलर आउटर कॉर्नर में लिया था वही लेकर मैं पूरे आउटर कॉर्नर की जो भी स्पेस बची है उसमें मैं इसको लगाऊंगी और जो शिमर शेड है उसके साथ इसको ब्लेंड करूंगी इस तरह से। तो आप देख लीजिए कि आपका जो कलर है वो अच्छे से पैक हुआ हो और फिर अच्छे से ब्लेंड हो जाए बाकी के शेड्स के साथ। और ये ऑलमोस्ट पूरा आई लुक कंप्लीट है।
कोई हार्श लाइंस वगैरह हो तो आप उस पर फिर से जा सकते हैं क्लीन ब्रश की हेल्प से और उसको ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया है हाईलाइट और ये मैं जेल लाइनर ले रही हूँ इंग्लॉट का, और टेप को एज अ गाइडलाइन यूज़ करते हुए मैं इसे एक लॉन्ग विंग क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा ड्रामेटिक है ये वाला लाइनर, और क्योंकि मेरी आईज़ हुडेड है तो इसलिए मैं इसको जिस तरह से लगा रही हूँ वो थोड़े से डिफरेंट है देन यूजुअल लाइनर जो हम लगाते हैं। इसको आँख अपनी खोलने के बाद पता चलेगा कि शेप एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, और जहाँ से वो स्ट्रेट लाइन दिखे फिर उसके बाद लाइन पुल करके उसका शेप जो है वो परफेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ आँखें खोल के, और फिर जो भी बीच में स्पेस है उसको फिल इन करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइनर को किया है कंप्लीट, और फिर उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन में भी वही कर रही हूँ जो मैंने ऊपर की तरफ किया है। डार्क ग्रीन कलर से सबसे पहले लोअर लैश लाइन में उसको स्मोक आउट करेंगे, फिर उसके बाद वही सारे शिमर शेड्स जो जिस ऑर्डर में लिए हैं उसी ऑर्डर में लेके हम उसको कंप्लीट करेंगे नीचे जो हमारी जो लाइन है उसको। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वो जो लेमन ग्रीन कलर का शेड था वो, और उसके बाद मैं ऑलिव ग्रीन कलर का शेड और फिर जो डार्केस्ट शिमर शेड था वो लेकर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और जो बाकी का है वो सारा हम अच्छे से नीट कर लेंगे कंसीलर की हेल्प से। यहाँ पे मैंने एले गर्ल की जो आई पेंसिल है वो ली है ग्रीन कलर में, और उसको मैंने अच्छे से वाटर लाइन में लगा लिया। फिर मैंने मस्कारा लगा के हुडा ब्यूटी के लैशेस जेड लैशेस का नाम है वो मैंने लगाए, और मैं दोनों लैशेस को मतलब मेरे फॉल्स और रियल लैशेस को एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कंसीलर से क्लीन कर लिया है और ये है पूरा लुक। अब ब्लेंड देख सकते हैं कितना प्यारा है। आई होप यू लाइक दिस लुक। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।